प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। सभी बच्चे व्यंजन की सातवीं लाइन पढ़ेंगे व मेरे साथ दोहराएंगे। व्यंजन श से शलगम, श से षटकोण, स से संतरा, ह से हाथी। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन ह। ह से हलवा, ह से हथौड़ी, ह से हलवाई, व्यंजन ह से हल्दी, ह से हल, ह से हथेली, व्यंजन ह से हाथी। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में व्यंजन ह को और अच्छे से जानते हैं। इस वर्कशीट में मैम ने आपके लिए लिखा है, चित्र पहचानो और सही व्यंजन पर गोला लगाओ। यहाँ पर इस वर्कशीट में मैम ने आपके लिए चित्र बनाए हैं और यहाँ पे हमने अलग अलग तरह के व्यंजन लिखे हैं और इसमें हमने व्यंजन ह भी लिखा है। आपको व्यंजन ह पहचानना है और चित्र से मैच करना है। सबसे पहला चित्र है व्यंजन ह से हाथी। हम यहाँ पहली लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहला व्यंजन ये है व्यंजन ह। इसको हम सर्कल करेंगे और यहाँ से मैच कर देंगे, व्यंजन ह से हाथी। दूसरा चित्र है व्यंजन ह से हथौड़ी। दूसरे यहाँ पर आएंगे, फर्स्ट लाइन में य से यज्ञ, र से रस्सी, व्यंजन ह से हथौड़ी, सर्कल करेंगे और मैच करेंगे। व्यंजन ह से हल्दी। हल्दी पीले रंग की होती है और सब्जी में हम इसे डालते हैं, व्यंजन ह है। सेकंड लाइन में हम आएंगे, ये है श से शलगम, श से षटकोण, ह से हल्दी, सर्कल करेंगे और इसे मैच करेंगे। स से संतरा, ह से, ये चित्र है हलवा। हलवा सभी बच्चों को पसंद है तो हम यहाँ व्यंजन ह को देख के और यहाँ पर हम सर्कल करेंगे। अब पांचवें चित्र पे आइए, व्यंजन ह से हल। हल किसान इसे खेत में खेत जोतने के काम में लेते हैं, इसे हम हल कहते हैं, ह से हल। थर्ड लाइन में हम व्यंजन ह देखेंगे। पहला व्यंजन है प से पतंग, दूसरा व्यंजन है ह से हल। छठे चित्र पे आएंगे, लास्ट चित्र में हमने लिखा है ह से हथेली। हमारे हाथों की ये हथेली है और इसे हम यहाँ पे देखेंगे, फ से फल, ब से बकरी, ह से हथेली। ये व्यंजन ह है। तो आप भी ऐसी वर्कशीट बनाइए और मैम को अपने वीडियोस भेजिए। इसके बाद हम व्यंजन ह हमारी फाइव लाइन की कॉपी में लिखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, यहाँ एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और इसको यहाँ से घुमाते हुए थर्ड लाइन के नीचे लाएंगे और यहाँ से फोर्थ लाइन पे मिलाएंगे। ये बन गया व्यंजन ह। ह से हलवा। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए, कर्व घुमाते हुए सेकंड लाइन के नीचे लाएंगे इस लाइन को और यहाँ से एक लाइन फोर्थ लाइन पे लाएंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ह से हथौड़ी।
स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व लेंगे, थर्ड लाइन के नीचे लाएंगे, यहाँ से एक लाइन फोर्थ लाइन पे लाएंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। व्यंजन ह से हलवाई। स्टैंडिंग लाइन, कर्व घुमाते हुए थर्ड लाइन के नीचे लाएंगे, थर्ड लाइन से इसे फोर्थ लाइन पे लाएंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ह से हल्दी। स्टैंडिंग लाइन, कर्व थर्ड लाइन के नीचे फोर्थ लाइन पे लाएंगे और ऊपर सेकंड लाइन पे स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ह से हथेली। स्टैंडिंग लाइन, कर्व घुमाते हुए थर्ड लाइन पे नीचे लाएंगे और इसको सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन पे लाएंगे। ह से हल। स्टैंडिंग लाइन, कर्व थर्ड लाइन के नीचे आएगी लाइन और यहाँ से फोर्थ लाइन पे आएगी और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ह से हल्दी। ह से हलवाई। ह से हलवा। व्यंजन ह से हथौड़ी। ह से हल। सभी बच्चे बोल बोल के सुंदर सुंदर राइटिंग में व्यंजन ह लिखेंगे। स्टैंडिंग लाइन, कफ घुमाते हुए नीचे, ह से हलवा, स्लीपिंग लाइन बन गई। तो ये था बच्चों व्यंजन ह। आप भी ऐसा व्यंजन ह अपनी फाइव लाइन की कॉपी में लिखिए और मैम को अपने वीडियोस भेजिए। धन्यवाद।